गुड मॉर्निंग। आपको मैंने सेंटेंस बताए थे ना इंग्लिश में कि व्हाट इज सेंटेंस। आपने क्या बताया था? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वो है जिनका शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता है। तो आज हम उसी लेसन की एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंटेंस। इसमें बताना है आपको, यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, अब इसमें बताना है कौन सा सेंटेंस है और कौन सा नहीं। जो सेंटेंस है सही है उसके आगे आपको क्या लगाना है, टिक, राइट कर टिक, और जो सेंटेंस नहीं है वहां पर रॉन्ग। ठीक है, तो अब आप बताओ, अमन क्रिकेट प्ले, यहाँ पर लिखा है अमन क्रिकेट खेलता है, सेंटेंस ये होना चाहिए। यहाँ अगर लिखा हुआ होता अमन प्लेस क्रिकेट तो ये एक सही सेंटेंस होता, लेकिन यहाँ लिखा है अमन क्रिकेट प्ले। अमन सब्जेक्ट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, क्रिकेट गेम का नाम है और अमन खेलने वाला है, तो अमन क्रिकेट प्ले, ये सेंटेंस बनता है क्या? नहीं बनता। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, क्रॉस, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है। सेकेंड है आपका, शी इज माई सिस्टर। शी वह, इज है माई मेरा और सिस्टर बहन, वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसके आगे हम क्या लगाएंगे, राइट, क्योंकि वह मेरी बहन है, हम यही बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम शी इज माई सिस्टर, है ना। तो ये सेंटेंस सही है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, राइट का साइन। नेक्स्ट है, दिल्ली इज अ लार्ज सिटी। दिल्ली एक लार्ज सिटी है, बड़ी सिटी है ना, तो ये भी एक सेंटेंस है, यहां पर भी क्या आएगा, राइट। बंच ऑफ रोजेस, रोज क्या होते हैं, गुलाब, गुलाब का फूलों का गुच्छा, ये सेंटेंस नहीं है। बंच ऑफ रोजेस, जब हम बहुत सारे बंच ले रोजेस लेकर हम एक उसको बांधते हैं ना, तो वो एक बंच बन जाता है, गुच्छा बन जाता है, जैसे बंच ऑफ कीज, तो ये सेंटेंस नहीं है। ये एक शॉर्ट में दिया हुआ है बंच ऑफ, और हम फिलअप में लिख देते हैं रोजेज, या हम जैसे ये बोलते हैं फिश के लिए बोलते हैं कि अ ग्रुप ऑफ फिश, तो ये ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ रोजेज, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बंच लिखते हैं। ये सेंटेंस कंप्लीट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रॉन्ग। अ टॉल बॉय, एक लंबा लड़का, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, रॉन्ग। कैट मिल्क ड्रैंक द, रॉन्ग है, क्योंकि बिल्ली ने दूध पिया, तो द कैट ड्रैंक मिल्क, ऐसे होना चाहिए था। और सेंटेंस क्या लिखा है, कैट मिल्क ड्रैंक द, तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट है, द डॉग एट द ब्रेड, कुत्ते ने ब्रेड खाया। एट मीन्स ईट की सेकेंड फॉर्म है एट, ईट की सेकेंड फॉर्म क्या है, एट, तो कुत्ते ने ब्रेड रोटी खाई, सेंटेंस है ना पूरा, द डॉग एट द ब्रेड, दिस इज राइट। कनिका ड्रॉप द ग्लास बाउल, कनिका ड्रॉप द ग्लास बाउल, कनिका ने कांच की बाउल को गिराया, ड्रॉप करा, तो ये क्या होगा, राइट। आया समझ में आपको, जो सेंटेंस है उनके ऊपर आपको राइट का निशान लगाना है, और जो सेंटेंस नहीं है वहां पर हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। इज दैट क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी। अब हमें उल्टे सीधे सेंटेंस लिखे हुए हैं,
उन्हें सही सीक्वेंस में हमको क्या करना है, लिखना है। क्वेश्चन टू करो, रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंस, टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंस। जो वर्ड्स दिए हुए हैं उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, इन्हें एक ग्रुप के अंदर आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट कैट, फैमिली, ईट, लव्स, आवर और टू। अब ये सेंटेंस, ये ऐसे वर्ड्स उल्टे सीधे लिखे हैं, अभी मैं हमें इन्हें एक सेंटेंस में लिखना है। अब क्या, फैमिली खाती है, प्यार है हमें, हमारे, टू, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस बनेगा आपका कि हमारी फैमिली या हमारे परिवार को क्या पसंद है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे, हमारे के लिए क्या आएगा, अवर, फिर परिवार फैमिली, पसंद वर्ब क्या है, लव और ही। टू केयर, अवर फैमिली लव्स ईट टू केयर, हमारे परिवार को केक खाना पसंद है। आई समझ में, ये एक कंप्लीट सेंटेंस बना है। सेकंड है, नेक्स्ट पेज पे देखो, स्लोली Prioritize very moves the। अब कछुआ धीरे चलता है, ये सेंटेंस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा ना। इसका सेंटेंस बनेगा, द प्रोटाइज move very slowly, कछुआ बहुत धीरे चलता है। The tortoise moves very slowly। Third is boy flavor H Kunal up। Kunal एक चालाक लड़का है या Kunal एक clever boy है। तो अब आप सबसे पहले हम किसका नाम ले रहे हैं, Kunal का, तो यहाँ पर क्या आएगा, Kunal। फिर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इसमें, क्या है, इच, वर्ब क्या है, फ्लेवर, उसका क्या बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है, कैसा लड़का है वो, फ्लेवर, Kunal इच फ्लेवर बॉय, Kunal इज अ फ्लेवर बॉय। और सेंटेंस जब भी हम कंप्लीट करेंगे, लास्ट में हमें क्या लगाना है, फुल स्टॉप, क्या लगाना है,
फुल स्टॉप। देन फोर्थ इज इन रेन, पिक ऑफ, द डांसेस, द। इसका सही सेंटेंस क्या होगा? द पिक ऑफ डांसेस। वर्ड क्या है? डांसेस, नाचना। कहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा? कहाँ नाच रहा है? रेन में, बारिश में। रेन मीन्स बारिश। द पिकॉक डांसेस इन द रेन। पिकॉक हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लास्ट इज रेनबो, द कलर्स हैज सेवन। तो क्या बनेगा बताओ? द रेनबो हैज, हेल्पिंग वर्ब है ना, सेवन कलर्स। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? सेवन। एंड देन योर एक्सरसाइज नंबर सेकंड इज कंप्लीट। नाउ एवरी स्टूडेंट कंप्लीट योर होमवर्क इन नोटबुक एंड चेक इन द स्कूल। ओके, हैव अ नाइस डे।